डिपार्टमेंट है उस मिनिस्ट्री में, इट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री ऑन इट्स ओन. हम क्यों दिशा भ्रम मतलब राहुल गांधी और को गलत इन्होंने एक लाइन कही, महंगाई डायन खाए जाते. बिल्कुल सही बात है, सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जाते है, ये बोलते थे हमारे टाइम पर. यहाँ तो सैया कमा भी नहीं रहे, नौकरी भी चली गई है, वेतन भी कट गया है और महंगाई भी खा रही है. अरे भैया 7 साल से सरकार में आप हैं, कब तक आप 7 साल पहले की बात करिएगा. 120 मेट्रिक टन हमारे जमाने में इम्पोर्ट होता था क्रूड ऑयल, 220 मेट्रिक टन मोदी जी के जमाने में इम्पोर्ट हो रहा है. तो आप करिए, आप भ्रमित करिए, ये कौन सी बातें हैं भाई. आप पेट्रोल इम्पोर्ट कर रहे हैं, आपने शतक लगाया है, आपने 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं 12 बार एक्साइज बढ़ाकर. उसका उत्तरदायी कौन देगा. 3.5 रुपया टैक्स होता था डीजल पर, आज 33 रुपया टैक्स है डीजल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, 32 रुपए टैक्स है पेट्रोल पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो 8 रुपया होता था. इसका आंसर कौन देगा, कौन बताएगा. मतलब हर तरह की बातें करेंगे. अभी इन्होंने बजट में एक सेस लगा दिया 4.5 रुपए का. आपको पता है कि ये जो सेस है, एक मिनट चुप रहिए आप, ये जो सेस है 4.5 रुपए का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले रखेगी क्योंकि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर ही बदल दिया. अब राज्यों को इसका पैसा भी नहीं जाएगा. 7 लाख करोड़ राज्यों का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जवाब दूंगी एक बार, बाकी दोनों मेहमान भी बोल भी नहीं दीजिए. अनुराग भदौरिया पेट्रोल के दाम को बढ़ाएगा, एक सा जवाब दीजिए. और अंजना जी नहीं रहे, एक मिनट, दो बार कहीं ना झूठ बोलेंगे के पास. और तो फिर क्या मेरा नहीं जवाब, नहीं तो मैं अभी दे देता हूँ. अरे भाई मैं क्यों उधार रखूं, अभी दे देता हूँ, मैं उधार नहीं रख रहा. धन्यवाद, बोलिए जल्दी से. देखिए सबसे पहले तो जैसी पार्टी का नेता वैसी ही प्रवक्ता. पहली बार है कि प्रवक्ता अपनी बात सही साबित करने के लिए नेता को ही झुटला देता है. खैर वो वही अंत करते हैं. लेकिन ये जो पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार किया है, कहां किया है, तथ्यों पे हम लोग को बातचीत करनी चाहिए. राजस्थान, श्री गंगानगर, आपको मालूम है बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा वैट कहां लगता है, राजस्थान में लगता है. अन्नपुर मध्य प्रदेश में भी किया है, 2% टैक्स राजस्थान. ये उखड़ क्यों जाते हैं, इनको इतना गुस्सा, इनको इतना गुस्सा क्यों आता है, जरा बता दीजिए.